Hey guys, welcome back to the Stocks Insights channel. In today's video, we are going to discuss about one of the strongest IPO stock. So let's get straight to the topic. So आज हम लोग बात करने वाले कैसे स्टॉक के बारे में जो काफी ही स्ट्रांग है. स्टॉक का नाम है साफ पॉलीमर. इसके पीछे रीजन क्या है पहले वो समझते हैं. देखो ये ऊपर का चार्ट है वो निफ्टी 50 है राइट, और नीचे का जो चार्ट है वो साफ पॉलीमर है. इसके पीछे रीजन क्या है ये पिक करने का. पहला रीजन देखो, अभी जस्ट रिसेंट फॉल देखो निफ्टी 50 का है ना, किस तरीके से फॉल हुआ है एंड सी द अपसाइड ऑफ द सा पॉलीमर. लास्ट का दो तीन कैंडल डाउन की साइड है और सा पॉलीमर का अप के साइड है, विच इंडिकेट्स कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ये ज़्यादा है इसमें है ना. दूसरा चीज़ पे हम लोग आते हैं. अब हम लोग गौर करेंगे, मार्केट लोअर हाइज पे चल रहा था है ना, बट सा पॉलीमर का देखो वो एक रेंज पे फंसा हुआ था. दिस वॉज द रेंज राइट, एक ही रेंज पे मूव कर रहा था विच इज अ साइडवेज रेंज एंड दिस मूव इज बेसिकली अ शेकआउट, जो नीचे ट्रैप हो गया मार्केट सबको ट्रैप करके गया. सो विच इंडिकेट्स की रिलेटिवली स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसमें, सा पॉलीमर में. तो ये ओवरऑल स्ट्रांग है ही इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल ट्राई टू डू, किस तरीके से बाई करने के लिए सबसे पहले चीज़ें क्या करना होगा, हम लोग को एक सप्लाई एरिया मार्क करना पड़ेगा और डिमांड एरिया. सो बेसिकली दिस इज द मेन डिमांड एरिया and this is also a demand area. This demand area led to make a new demand area, right? So this whole area will be concluded as a demand area for me. ठीक है, और जो risk taker है वो लोग current market price पर buy करके stop loss अपना इस demand के नीचे रख सकते हैं, और जो safe वाले लोग हैं वो इसके नीचे डाल सकते हैं, this whole area इसके नीचे डाल सकते हैं. या फिर एक और best तरीका होगा जो हम एक्यूमुलेट करते हैं, और जितने फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग चंक्स में बाय करते हैं, स्मॉल चंक्स में. तो ये पूरा एरिया को एक्यूमुलेशन एरिया बना लो, इस एरिया पे आप लोग एक्यूमुलेट करो, आपको जितना मिलता है सा पॉलीमर उठाने का उठाओ. ठीक है, स्टॉप लॉस आप ये वाला एरिया डाल दो. ठीक है, ये एरिया स्टॉप लॉस डाल दो और इस एरिया को एक्यूमुलेशन रेंज बना के बाय इट इन एवरी डिप. मोस्ट प्रॉब्ली इट विल गिव अ ब्रेकआउट, क्योंकि ये IPO स्टॉक है और बहुत अच्छे तरीके से सेट भी हुआ है ना. हम लोग दूसरा तीसरा चीज़ पे आते हैं वॉल्यूम पे. देखो वॉल्यूम का खूबसूरती अलग ही होता है. सी दिस, जैसे कि प्राइस अपसाइड गया एंड सी द वॉल्यूम. ओके, 4 मिलियन का बाइंग आया, व्हाट्स ये बता, लिव द बाइंग फिगर्स एंड ऑल, जस्ट सी द स्पाइक ऑफ द वॉल्यूम राइट. सो दिस स्पाइक. ओके, अच्छे से मार्केट नीचे गिरा, सी द स्पाइक ऑफ दिस सेलिंग वॉल्यूम, विच इंडिकेट की सेलिंग वॉल्यूम है ही, उतना प्रेशर नहीं है एंड सी अगेन द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन बार्स एंड अगेन द राइज ऑफ द ग्रीन बार्स, विच इंडिकेट्स की वॉल्यूम और प्राइस बहुत अच्छे तरीके से रिलेट हो रहा है और यही चीज़ होना भी चाहिए, विच इंडिकेट्स की बिग प्लेयर है इस पर. इसके हम लोग क्या करेंगे, सा पॉलीमर का हम इन्वेस्टर्स पे जाएंगे. इफ़ यू लुक दैट, प्रमोटर 60.46 है एंड फॉरेन इन्वेस्टर 11.80 है. मतलब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इनमें इन्वेस्ट किए हैं तो ऑब्वियसली दे आर लुकिंग समथिंग, और यहाँ पर हम लोग देख नहीं पा रहे क्योंकि ये IPO है, डेटा ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आई गेस ये अच्छा है सा पॉलीमर.